चलो अभ्रीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में, फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक प्रोविजनरी ऑफिसर प्रोग्राम भाई मणिपाल एकेडमी। तो अभी लिटिल बिट चेंजेस किए हैं भाई एकेडमी में, तो न्यू चेंजेस क्या क्या उस पर जानेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। आईसीआईसी पीओ प्रोग्राम मणिपाल एकेडमी द्वारा कराया जाता है, जो कि 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको पता होना चाहिए इस डिप्लोमा के बारे में, क्योंकि क्या क्या बेनिफिट है वो। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं। अगर आप प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हैं तो आप मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, और रेगुलर डिग्री ज़्यादातर होनी चाहिए। और मिनिमम इस बार जो नया चेंजेस आया उसमें 60% मांगा गया है, ठीक है। अगर आप रेगुलर कोई भी डिग्री करते हैं या फिर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, विद 60% होना चाहिए। लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम 55% पर आईसीआईसी बैंक इनरोलमेंट देता था, ठीक है। नहीं, आप इंडियन रेजिडेंस होना चाहिए और आपका एज 25 इयर्स के आसपास होना चाहिए, ठीक है, 25 से बिलो ही होना चाहिए। लास्ट 25 इयर्स कर दिया। पहले क्या था, पहले आईसीआईसी पीओ प्रोग्राम में एज 27 इयर्स था, ठीक है, और अब जो आपका एज क्राइटेरिया कर दिया वो 25 ईयर कर दिया। तो ये दो चेंजेस आए हैं, ठीक है। बाकी आपको आईसीआईसी बैंक के करियर पोर्टल पे जाना होता है, ठीक है, अपने एप्लीकेंट आईडी बनानी होती है इनरोल करने के लिए। फिर आपको पीओ प्रोग्राम का डिटेल फिल करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है, देयर आफ्टर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में सब कुछ ठीक रहा तो, ठीक है। अब उसके साथ साथ टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, बहुत कैंडिडेट पूछते हैं, मैं इसी वीडियो में बता देना। टेस्ट पे ज़्यादातर मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश, बाकी फाइनेंस से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है, कंप्रिहेंसिव एनालिटिक्स इस तरीके से पूछा जाता है आपसे, ठीक है। बाकी इंटरव्यू ईजी होता है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीओ, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ICICI बैंक, वाई शुड यू ज्वाइन ICICI बैंक, आर यू रेडी टू रिलोकेट, टेल मी अबाउट सम फाइनेंशियल प्रोडक्ट, हाउ टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। अब भाई हम बात करें तो भाई कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर का, जिसमें 4 मंथ आपका ऑफलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग होगा बैंगलोर में जाकर, 2 मंथ इंटेंसिव होता है, 6 मंथ ऑन जॉब ट्रेनिंग OJT होता है आपका, ठीक है भाई। अगर हम बात करें तो सैलरी पैकेज आपका मिनिमम 5 लाख होता है, मैक्सिमम 5.5 लाख है, डिपेंड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन रहेगा। अगर हम बात करें तो आपका जॉब रोल, ठीक है, ग्रेड आपको डिप्टी मैनेजर 1 मिलेगी, ज़्यादातर डिपार्टमेंट आपको ब्रांच बैंकिंग मिलेगा जो सेल्स रिलेटेड वर्क रहेगा, और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट आपको ERM डिपार्टमेंट भी मिल सकता है, चांस है ऑपरेशन डिपार्टमेंट भी, बैकएंड का वर्क भी मिल सकता है, बट 99% ज़्यादातर डिटेल डिपार्टमेंट मिलता है जिसमें सेल्स इंक्लूड होता ही है, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है। मैं अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम में, ठीक है, आपका जो स्टाइपेंड CTC जो होता है, ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम पे भी मिलेगा, इंटेंसिव में 10,000 के आसपास मिलेगा, 10 से 20,000 के आसपास। वहीं ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपका 24 से 26,000 के बीच में सैलरी बेस्ड आएगा। देयर आफ्टर आपका जो CTC है 5 लाख वो स्टार्ट हो जाता है, तो आफ्टर 1 ईयर आपका 32 से 35,000 के बीच में इनहैंड सैलरी आएगा, ठीक है। वहीं आप एजुकेशन लोन भी करा सकते हैं ICICI बैंक के थ्रू, जब आप PU प्रोग्राम में इनरोल करेंगे, क्योंकि इसकी जो फीस है 2,70,000 से 80,000 के बीच में है, तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, सेल्फ फंड करके जा सकते हैं, और उसके साथ साथ आप चाहे तो एजुकेशन लोन करा सकते हैं, ठीक है। और पैन इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिलेगी, कोई ऐसा नहीं है होम स्टेट मिले, होम टाउन मिले, अपना सिटी मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पैन इंडिया कहीं भी लोकेशन दे देते हैं, बट मोस्टली चांस है कि आपके रीजन में मिले। अगर आप नॉर्थ रीजन से हैं तो नॉर्थ रीजन में मिलेगा नियरेस्ट स्टेट, आप साउथ रीजन से हैं साउथ के नियरेस्ट स्टेट में मिलेगा, ईस्ट वेस्ट जिस भी रीजन से आपके नियरेस्ट स्टेट में दे दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर इश्यू करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी आती है तो आपके नियरेस्ट स्टेट वो फाइंड करेंगे कि बच्चे को हिंदी आती है, ठीक है, तो इस जगह पे दे, बट इंग्लिश कंपलसरी है भाई, क्योंकि जो पूरा प्रोग्राम है वो इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों एलिजिबल रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार प्रोग्राम वर्थ इट है या नहीं है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम ICICI पीओ प्रोग्राम, वन ऑफ द बेस्ट, मेरा फर्स्ट सजेशन हर कैंडिडेट को ICICI पीओ प्रोग्राम ही रहता है, बिकॉज ICICI बैंक गिव्स लिटिल बिट जॉब सिक्योरिटी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना जॉब सिक्योरिटी देता है कि वो आपको फायर नहीं करते, टर्मिनेट नहीं करते और जल्दी हटाते नहीं है। अगर आपसे बिजनेस नहीं हो पा रहा है तो टारगेट आएगा, प्रेशर है, टारगेट बेस्ड जॉब देते हैं, डिप्टी मैनेजर बन जॉब रोल आपका रिलेशनशिप मैनेजर या फिर वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का हो सकता है, ठीक है। मेरी टारगेट बेस आपका जॉब रहने वाला है, सेल्स का ज़्यादातर काम होता है, जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल्स करना होता है,
कासा डिपार्टमेंट दे सकते हैं, NRI भी दे सकते हैं, इट विल बी डिपेंड ऑन योर टीम लीडर, ऑन योर HR, ठीक है। बट माइंड में एक चीज़ क्लियरिटी रखना है कि अगर आप PO प्रोग्राम करने जाना है, सबसे पहले सबसे बेस्ट प्रोग्राम PO प्रोग्राम, क्योंकि ICICI बैंक जॉब सिक्योरिटी देता है, टाइमली सैलरी आती है, टाइम से हर साल इंक्रीमेंट होता है और टाइम से ही आपको बोनस भी आता है। तो सबसे पहले तो ये, 2 साल बाद आप डिप्टी मैनेजर 2 बनेंगे तो एज अ टीम लीडर चुने जाएंगे, ठीक है। तो डिप्टी मैनेजर बन से जब आप कोई भी करियर स्टार्ट करना है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ है प्रोग्राम करने के बाद, PO प्रोग्राम करने के बाद, HDFC फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम, कोटक नेक्स्ट जेन प्रोग्राम, इसमें डिप्टी मैनेजर 1 ग्रेड मिलती है। उस प्रोग्राम का वैल्यू रखना है, उस प्रोग्राम में बेनिफिट है कि आपका ग्रोथ हाई होगा। DM1 एक हाईएस्ट ग्रेड होती है भाई, 5 लाख से 5.5 लाख का CTC है तो आपका हर साल 8 से 12% 15% इंक्रीमेंट होता है। तो आप सोचिए आपका सैलरी 2 से 3 हज़ार हर साल बढ़ेगा, वहीं बोनस आता है 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार डिपेंड ऑन ग्रेड। तो DM1 से अगर आप करियर स्टार्ट करते हैं तो आपके ग्रोथ बहुत हाई होता है। तो सबसे पहले वर्थ इट प्रोग्राम है, बेनिफिशियल प्रोग्राम है, ठीक है। अब जो चेंजेस आए थे वो यही थे, सबसे पहले जो आपका इंटरव्यू होगा, अब ऑफलाइन इंटरव्यू होने के ज़्यादा चांस है, 99% चांस है आपके नियरेस्ट ब्रांच में इंटरव्यू होगा आपका ऑफलाइन। दूसरा, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो परसेंटेज थी डियर वो थी 55%, अब 60% करती है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो आपका एज था 27 ईयर था, अब वो 25 ईयर कर दिया है, ठीक है, 25 साल तक लास्ट कर दिया, ठीक है। बाकी हायरिंग प्रोसेस सेम ही है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, दोनों में से किसी भी मोड में हो सकता है, वो आपके जो HR हैं वो डिसाइड करेंगे। प्रोग्राम ऑफलाइन होगा, मनीपाल अकेडमी बेंगलोर में होगा, और 4 मंथ का ऑनलाइन ट्रेनिंग करने के बाद, प्रोग्राम करने के बाद फिर आपका इंटेंसिव 2 मंथ का स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा। फिर 2 मंथ बाद आपको लोकेशन दी जाएगी जिसमें आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, और टारगेट प्लेसर ऑन जॉब ट्रेनिंग से भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, डिपेंड ऑन ब्रांच मैनेजर, ठीक है। बाकी 1 ईयर बाद प्रॉपर आपका CTC स्टार्ट हो जाएगा, 5 लाख जो 5.5 लाख जो भी लोकेशन बेस्ड मिलेगा, मिनिमम सैलरी 32 से 35 हज़ार के बीच में आ सकती है। बाकी आपका क्या रिव्यू रहा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट भाई ज्वाइन कर चुके हैं PO प्रोग्राम, कुछ लोग PO प्रोग्राम करके अपना करियर बना चुके हैं, बैंक में जॉब कर रहा है, ICICI बैंक में, अदर बैंक्स में, तो आप भी अपना ओपिनियन शेयर कीजिए ताकि जो जूनियर्स हैं हमारे, जो फ्रेशर्स हैं, उनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, अवेयरनेस हो, वो भी अपना करियर ब्राइट बना सकें, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से ICICI PO प्रोग्राम को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, देयर आफ्टर ऑल प्रोग्राम। सो ICICI PO प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट टू स्टार्ट द करियर, ICICI बैंक वन ऑफ द बेस्ट, और मैंने खुद 1 साल ERM डिपार्टमेंट में आफ्टर MBA वर्क किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बैंक है। मैंने खुद रिजाइन दिया था, जी मीडिया ज्वाइन किया था, ठीक है, बट मुझे जो किसी ने ना फायर किया, ना RMG में डाला, ना कुछ। 2 साल बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, मनचाहा ट्रांसफ़र ले सकते हैं, 2 साल बाद आप डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, आप सेल्स से ऑपरेशन में भी आ सकते हैं 2 साल बाद, ठीक है, और हर साल बोनस, सैलरी इंक्रीमेंट, और बेनिफिट है कि कभी निकाला जल्दी नहीं जाएगा आपको। अगर आप काम नहीं कर पाना तो हो सकता है इनकेस ट्रांसफ़र हो जाए दूसरी लोकेशन, बट वो आपको फायर नहीं करेंगे, ठीक है, इसीलिए बेस्ट प्रोग्राम है। तो ICICI PO प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हैं, बेफिक्र होकर इनरोल करिए, और शायद अभी बैच 88 स्टार्ट होगा, अभी शायद उसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार लिंक शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। बर्थ एड प्रोग्राम है, ICICI PO प्रोग्राम ही सबसे बर्थ एड है, उसके बाद अदर प्रोग्राम को मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। मनीपाल अकेडमी वन ऑफ द बेस्ट, 100% जॉब मिलेगा आपको, ठीक है। और हाँ, जब भी आप PO प्रोग्राम करने जाएं तो NISM 5A सीरीज़ की तैयारी कीजिए, NISM एग्ज़ाम और IRDA एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। और सेल्स टारगेट प्रेशर रहेगा PO प्रोग्राम के बाद, इसमें कोई ऐसा संकोच वाली बात नहीं है, बट करियर स्टार्ट करना है तो बिल्कुल रिस्क लीजिए, रिस्क है और तभी एक अच्छा रिटर्न मिल पाता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।